31 हो गया है शायद से, बाकी था शिफा नहीं हुआ है क्या? चलो हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं करवा देता हूँ फिर से एक बार। ओके ठीक है। एक लिफ्ट जो कि नीचे आ रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ, टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर। एक आदमी है जो कि इसके अंदर लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ना ये लिफ्ट में क्या करता है कॉइन को ऐसे ड्रॉप करता है, यहां से कॉइन ड्रॉप करता है और 6 फीट अबव द फ्लोर। कॉइन की हाइट कितनी है 6 फीट है, तो मैं खाली आदमी को क्यों दिखाता हूं, मैं खाली कॉइन को दिखा देता हूं। यहां पे कॉइन ऐसा है, इस कॉइन की हाइट कितनी है फ्लोर से 6 फीट है। ओके और ये बोला गया है, और ये क्वाइन जो है ना जाके ग्राउंड को हिट करता है जाकर के, 31 नंबर एसी वर्मा का। और मैं ना अभी काफी सारे देखो प्रॉब्लम्स काफी सारी हैं, डाउट्स काफी सारे हैं, तो मैं क्या करूंगा इसके ना कुछ रिटर्न सॉल्यूशंस बना करके भेज दूंगा जो आसान क्वेश्चन है, तुम लोग उसको फॉलो करना एक बार, जहां जहां पे डाउट्स होंगे ना वो मेरे से पूछ लेना। इसकी हाइट है 6, ये कॉइन जो ग्राउंड यहां जो लिफ्ट पे गिरता है ना इसको टाइम लगता है 1 सेकेंड, पेज नंबर है 53, काइनेमेटिक्स चैप्टर निकाल लो, ठीक है उसमें क्वेश्चन नंबर 31। एंड मैं फिर से बोल रहा हूं ये वाली बुक सबको खरीद ही लेना भाई, ठीक है हार्ड कॉपी की बात ही अलग होती है, ये टाइम लगता है इसको नीचे गिरने में 1 सेकेंड। तो पूछा गया ना कि ये आदमी यहां पर जो देख रहा है ना, ये आदमी इस कॉइन को ऐसे फेंका, यहां से ड्रॉप किया और देख रहा है इसको भी यहां से, इसके हिसाब से 6 फीट गिरेगी यहां पे और इसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड कॉइन को। हमसे पूछा गया ना कि बताओ इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो लिफ्ट का अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो यहां पर हम ये कौन ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है ऑब्जर्व कर रहा है ये जो आदमी जो है ना ये इसको देख रहा है, ठीक है इस कॉइन को, तो हम किसके फ्रेम पे काम करें, हम काम करें विथ फ्रेम ऑफ द पर्सन। तो यहां पे कितना डिस्टेंस है, ये एस इक्वल्स टू यूटी ड्रॉप किया गया है, जब भी वर्ड ड्रॉप आता है मतलब इनिशियल स्पीड को जीरो लेना, तो यू जीरो हो जाएगा, हाफ इंटू ए। यहां पे कॉइन का एक्सेलरेशन कौन देखेगा, आदमी देखेगा, तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इंटू टी का स्क्वायर। यहां पर जो मैं ए पुट करूंगा ना, किसका एक्सेलरेशन है, कॉइन का एक्सेलरेशन है, कौन है ऑब्जर्वर, आदमी है जो लिफ्ट में, तो यहां पे हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। अगर ग्राउंड का कोई आदमी देखता है तो वहां पे हम ए लिखते थे, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन, ठीक है ग्राउंड है तो वहां पे जी लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे एस कितना लिखा, तो एस है हमारा 6, हाफ इंटू ए सी एम इंटू टाइम कितना लगे नीचे गिरने में 1 का स्क्वायर। अच्छा एक खास बात हमेशा याद रखनी है कि जो टाइम होता है, ठीक है वो कोई भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, हम ग्राउंड से देखो तो भी 1 सेकंड लगता है इसको यहां तक यहां पहुंचने में, यहां से देखो तो भी यहां से आ सकते, तो ए सी एम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहां पर ये जो है ना डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 6 फीट है, ठीक है तो हमको एक्सेलरेशन भी किसमें मिलेगा, 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर में मिलेगा, क्लियर। अच्छा उसके बाद लैपटॉप चार्ज पे कर लगा दूं,
बाद अब हमसे क्या पूछा गया कि हमें क्या निकालने बोला गया, हमें निकालने बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। जब याद रखना बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब ये हमको पता है एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द मैन इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब व्हाट इज दिस एसी, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। याद रखना एक बेसिक सी चीज है, कभी भी हमको बोला जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट ये एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम। यहाँ पर ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, लेकिन इन जनरल, ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी फ्रेम के साथ ले सकते हैं। ये मान लो कोई ट्रेन जा रही है तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब हम इसको माइनस कर सकते हैं, ये किसी भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में हो सकता है इन जनरल। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ पे भी खड़ा करके देखेगा तो जैसे वो उसको छोड़ा गया, ठीक है, तो ये हाथ से निकला, अब कॉइन तो हवा में गिर रहा है, ठीक है, और जैसे गिरेगा तो ये हवा में गिर रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्पर्सन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक डेटा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जी की जो वैल्यू होती है वो होती 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू जी की वैल्यू होती है इन फीट पर सेकेंड, ठीक है। ये 32 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन, जो ये जो आदमी का जो एक्सेलरेशन है ये तो वही एक्सेलरेशन है जो लिफ्ट का, क्योंकि आदमी तो लिफ्ट में, ठीक है, ये तो लिफ्ट के साथ कॉन्टेक्ट में, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, कॉइन हवा में, ठीक है, कॉइन का वो एक्सेलरेशन नहीं होगा जो लिफ्ट का होगा, कॉइन का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, जी के इक्वल होगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्पर्सन एसी 12 होगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो एएम कितना हो जाएगा, 32 माइनस 12 दैट इज 20 फीट पर सेकेंड, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत इस पे तो पूछो, ये सब अच्छे सवाल है, ठीक है, जो एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जो तुम्हारे एंट्रेंस में आने की पूरी चांसेस रखते हैं। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद इसको फटाफट सबको नोट कर लो, हाँ, जब कॉइन गिर जाएगा ग्राउंड लिफ्ट के फ्लोर को टच कर लेगा तो कॉइन का भी वही एक्सेलरेशन होगा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जब तक ये हवा में है ना तब तक वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्मॉल जी के एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा। देखो एस सी वर्मा करके एक एस सी वर्मा, ठीक है, उसके बाद आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स, अगर तुमने इतना पक्के से कर लिया ना, ठीक है, तुम्हारा आईआईटी में कोई काट नहीं सकता, लेकिन ये तुमको दोनों करने पड़ेंगे ऐसा, और उसके बाद तुम्हारा एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से समझ लो ना तुम्हारे 70% क्वेश्चंस तुमने, बताओ अगर तुम जेई की तैयारी में तुमको मेंस में खाली तुमको बोलना है कि नहीं मैं इतनी मेहनत नहीं हो सकती, कोई बच्चा बोलता है, ठीक है, तुम लोग तो करोगे मुझे पता है, तो बच्चा बोलता है मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, अगर वो सिर्फ बच्चा एनसीआरटी सॉल्व कर लेना 11th और 12th की, 70% क्वेश्चन तुम्हारे मेन्स में जो होते हैं एनसीआरटी बेस्ड होते हैं, और 30% क्वेश्चन तुम्हारे एडवांस में जो होते हैं ना वो एनसीआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जेई में जो कंसेप्ट होते हैं ना हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है, सवाल रिपीट नहीं होते कंसेप्ट, लेकिन हमेशा रिपीट होते हैं। और नीट के लिए तो देखो, नीट में अगर तुम्हारा टारगेट है ना कि तुमको एकदम अच्छा रैंक लाना है, ठीक है, तुम्हारा टारगेट है कि तुमको नीट में जो है एकदम बेस्ट से बेस्ट रैंक सिक्योर करना है, तो तुम्हारे लिए एससी वर्मा बेस्ट है, ठीक है। वरना बताओ तुम्हारे नीट का, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, नीट का जो लेवल है ना, ठीक है,
उसके लेवल के आगे एस सी वर्मा का लेवल ऊपर चला जाता है। ठीक है, मैंने तुम लोग को जो दिशा की बुक का भेजा था ना मेटीरियल, तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, वो लेवल होता है हमारे नीट का। ठीक है, लेकिन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर ए वेरी गुड रैंक इन नीट, ठीक है, तुमको एस सी वर्मा करना चाहिए। ठीक है, और मैं तो पूरी की पूरी एस सी वर्मा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एस सी वर्मा करके तुम्हारे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टफ सवाल आसान सवाल कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारे सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोगों। अब नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया सॉसर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है फुटबॉल में। ठीक है, जिसमें कि सेंटर ऑफ द फील्ड इज और सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। ठीक है, बोला गया कि यहाँ पे गोल पोस्ट है, और ये गोल पोस्ट जो है ना ऐसे करके यहाँ पे ये ऐसा गोल पोस्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है फुटबॉल खेलते हो, गोल पोस्ट पता उसे कुछ कुछ की कुछ हाइट होगी, वो 10 फीट है। ठीक है, और बोला गया है कि यहां से सेंटर ऑफ द फील्ड से मतलब यहां से, ठीक है, फुटबॉल इज कैप्ड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। ठीक है, यहां से कितना डिस्टेंस है, ये है 40 फीट। ठीक है, बोला गया 40 यार्ड्स है। ठीक है, देखो 40 यार्ड्स एक बेसिक कन्वर्शन बता देता हूं मैं कि यहां पर ये जो 40 यार्ड्स होते हैं ना, ठीक है, 1 यार्ड जो होता है 3 फीट होता है। ठीक है, 1 यार्ड कितना होता है, 3 फीट होता है। ठीक है, यार ये कन्वर्शन याद कर जाना। एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, और उसकी स्पीड है 64 फीट पर सेकेंड, और जिस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया वो 45 डिग्री है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये बॉल जो है इस गोल पोस्ट पे एंटर करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है इसके लिए, हमें यहां पर इसमें हम इक्वेशन यूज करते हैं ट्राइजेक्ट्री का, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब y की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहां पर ये देखो x, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लू, और अगर मेरा यहां पर ये मेरा अगर x यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है यहां पे अगर मैं जाता हूं तो हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वह 120 होगा, वाई वेरी करेगा। अब अगर मेरा वाई मैं यहां से निकालता हूं और मेरे वाई का आंसर 120 फीट पे, मेरा वाई का आंसर कितना आता है 120 फीट पे, अगर मेरा आंसर 10 फीट से छोटा अगर आ जाता, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये यहां से क्रॉस करके गोल पोस्ट को क्रॉस करके निकल जाएगा, और मेरा अगर आंसर 10 फीट से ऊपर अगर आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बॉल ऊपर से चली जाएगी। देखो अगर आप गोल की बॉल मारता है कितनी बार प्रॉपर एंगल पे नहीं लगता तो गोल के ऊपर से बॉल निकल जाती है। ठीक है, कहाँ गड़बड़ी हो जाती है, या तो स्पीड में गड़बड़ी होती होगी, नहीं तो वहां पे एंगल में गड़बड़ी होती होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको बस करना कि हमको यहाँ पे निकालना वाई है और कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स इक्वल टू 120। जरा निकालते वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा मतलब टैन थीटा 1 हो जाएगा माइनस हाफ जी को यहाँ पे लेंगे 32 इंटू और ये 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर हो गया हमारा 64 इंटू 64 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 16 4 जा 64 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 128। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, एक्स टैन थीटा, अच्छा यहां से मैं एक्स को भी तो पुट कर ही सकता हूँ ना, एक्स तो मुझे पता ही है एक्स कितना है हमारा, एक्स है 120 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जरा पुट करके देखो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है,
ये निकालोगे ना वाई की वैल्यू को, तो मैंने निकाल के रखी है, तो वाई कुछ अप्रोक्सीमेटली आता है 8 मीटर के अप्रोक्सीमेटली आता है, ठीक है। तो अगर ये 8 मीटर के अप्रोक्सीमेटली अगर आता है ना, ठीक है, तो इसको निकालो जरा सा, तो करके देखोगे ना, तो निकालो देखो, से निकाल के देखो एक बार कितना आता है, ठीक है। ये 8 अगर आता तो ये 8 फीट जो है 10 फीट से कम नहीं है, ठीक है। अगर ये 10 फीट से कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है, 10 फीट से कम होगा, ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से समझ एंटर कर जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत थी किसी को समझने में ये वाला सवाल, ठीक है। आसान तो ऐसा कुछ नहीं, खाली बस तुमको मेन फॉर्मूला याद रखना होगा, 7. अच्छा हाँ 7.08 आ रहा ना, ठीक है, तो 7.08 है ये, तो भी ये एंटर कर जाएगा, हाँ चलेगा ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसको फटाफट नोट कर लो। हाँ जो भी आएगा लिख दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है। 7.5 आए, 7.6 है, 10 से कम ही आ रहा ना आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा बताओ ये वाले क्वेश्चन में ना मुझे लगता है थोड़ा सा एरर है, ठीक है, थोड़ा आंसर में डेसिमल का फर्क आएगा इस पर, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पे स्टंट किया जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके एक स्टंट है, प्रैक्टिस होगी, ये ऐसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे ऐसे ना ये गैप है, ठीक है, खाली ये मैं लेंथ दिखा रहा हूँ, ये पूरा डिच है, डिच मतलब गड्ढा है, और एक मोटरसाइकिल वाला है, ठीक है, वो क्या करता है ऐसे आता है, ठीक है, और देखा होगा वो स्टंट शो देखते होगे, ठीक है, स्पोर्ट्स पे दिखाता भी है, ये ऐसे आता है यहां से कूदता है, ठीक है, और कूदता है और यहां से ऐसे के पैराबोलिक पाथ लेता है, पैराबोलिक पाथ लेता है, और यहां पे इसकी जो गाड़ी है ना, इसकी जो लेंथ है ना गाड़ी की, वो हमको दी गई है 5 फिट, लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फिट। ये जो गड्ढा जो है ना, इस गड्ढे की जो ये है ना, ये कितनी हमको दी गई है, गड्ढे की हमको दी गई है विड्थ 11.7 फिट, ठीक है, गड्ढे की जो चौड़ाई है, जिस ये एंगल जो है ना, ये एंगल 15 डिग्री है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो जिस एंगल से इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो भी अगर मैं एंगल देखो ध्यान से, ये एंगल पे तो वेलोसिटी और प्रोजेक्शन भी तो 15 डिग्री होगा ना, क्लियर सी बात दिख रही है हमको। यहाँ पे जैसे ये इसको स्लाइड करके ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे जा रहा सीधा, ठीक है, आगे बड़ा कॉन्टैक्ट हटा, तो किस एंगल से ये प्रोजेक्ट होगा, क्लियरली देख के लग रहा है ये 15 डिग्री होगा, मैंने अगर इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया अगर, ये भी 15 डिग्री होगा, ये भी 15 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस सवाल में आगे क्या बोला गया है कि इसको मिनिमम वेलोसिटी अपनी क्या रखनी चाहिए ताकि ये गड्ढे को क्रॉस कर सके, और ये भी बोला गया इस सवाल में कि ये अज्यूम द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच रोड, ठीक है, मतलब and it when the front part and it leaves the road, ठीक है, when the front part runs out of the, हाँ अच्छा, यहां से ऐसे कूदेगा, ठीक है, अब जब ये यहां पर आकर के लैंड करेगा, सोचो इसकी बाइक को ऐसे आकर के यहां पर जब लैंड करेगा, ये वाला इसका रियर एंड है, ठीक है, पीछे वाला पार्ट यहां पे आया, ठीक है, रियर वाला पार्ट यहां पे है, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे लैंड किया, ठीक है, उसके बाद घूम करके ये ऐसे करके यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है। हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इसकी मिनिमम रफ्तार क्या होनी चाहिए,
यहां पर देखो ये तो हमको दिख रहा है कि रेंज यहाँ पे 11.7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अगर ये हमारा खाली बाइक अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होती ना तो मेरे लिए सवाल बड़ा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर दिया गया कि यहाँ पे बाइक की भी लेंथ है। अगर बाइक की भी लेंथ है तो मुझे, मैं यहाँ पे रेंज को 11.7 सिर्फ नहीं ले सकता हूँ, मेरे को बाइक की भी लेंथ इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब जरा तुम ध्यान से देखो कि बाइक का अगर मैं देखूँ ये वाला बाइक यहाँ पे कब लैंड करेगी, जब इसके पीछे वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे सपोर्ट पे आए, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये मे भी हमारा देखे तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, नीचे आ जाए, लेकिन जैसे ही इसको इस पे सपोर्ट लिया, ठीक है, बाइक कैसी आ गई, लैंड कर गई। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखू ना तो यहाँ पे जो मैं लूंगा ना रेंज, ये देखो, ये देखो, ये बाइक का रेंज क्या होगा अगर मैं इसका देखू ना, तो ये पीछे वाला जो व्हील है ना ये कहाँ कितना दूर होगा ये देखो, तो ये मेरा हो जाएगा 5 और ये एंगल मेरा कितना था वो 15 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। ये लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ मेरी हो जाएगी cos 15 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा 5 cos 15 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो रेंज है ना यहाँ पे किसको चूज किया जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज द रेंज, रेंज क्या यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, दिस इज द रेंज। मतलब रेंज हमारा कितना हो जाएगा, रेंज हमारा है 11.7, ठीक है, प्लस 5। अब एस सी वर्मा की बुक में ध्यान से देखा जाए ना तो इन्होंने क्या किया, 5 cos 15 डिग्री, cos 15 को ना cos 01 होता है, तो यहाँ पे क्या लिया गया, इसको 11.7 प्लस 5 अप्रोक्सीमेटली ले लिया गया, जिससे कि आंसर में डेसिमल का थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है, अगर हम इस ये वाला करें ना तो ज्यादा प्रॉपर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको निकालना वेलोसिटी है, तो हमको पता है R=u²(sin²θ/g). अब यहाँ पे हम रेंज की वैल्यू को पुट कर देंगे, cos 15 ले लेंगे टेबल से, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। u हमको पता, u हमको निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है, तो sin 15 × 2 कर देंगे, sin 30 हो जाएगा, बाय जी हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन में ऐसा पता देखो कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, खाली बाइक का लेंथ दे करके ना क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा कर दिया गया है और हमको उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ये रियर वाला यहां पे आएगा, आर की वैल्यू 12 पॉइंट्स, नहीं आर की वैल्यू 12.7 कहां से आएगी, आर की वैल्यू आएगी कुछ 11.7 प्लस 5 का, तो ना 16.7 के आसपास आएगी ना, निकाल के देखो, आर की वैल्यू आएगी कुछ 16.53 आएगी है, ठीक है, पुट करके देखो कि ना cos 15 को टेबल से पुट करो, ठीक है, तो अगर इसको 1 लेते ना तो ये आ जाता हमारा, ये अगर इसको 1 ले लेते हैं तो ये हमारा आता 16.7, लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर वैल्यू पुट करेंगे ना तो 16.7 से थोड़ी कम हो जाएगी वो, ठीक है, तो 16.53 आएगी, ठीक है। और अगर टेक्स्ट बुक में अगर तुम देखोगे ना तो टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने 11 आंसर जो निकाला है ना वो 16.7 से निकाला आंसर, विच इज नॉट एक्चुअली द प्रॉपर आंसर, ठीक है, वो थोड़ा तुम्हारा आंसर इस आंसर से थोड़ा मैच नहीं करेगा, ठीक है, तुमको उसके लिए वरी नहीं करना है कि ज्यादा सही मैच है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से ये एक्सप्रेशन को नोट कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली बताओ ये वाला क्वेश्चन ही बताओ मेरे को इतना पसंद ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बताओ मतलब डेटा इतना क्लियर नहीं है, एक्चुअली एक्सटेंडेड बॉडी हम लोग पढ़े पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो कहाँ से कहाँ नापना है, ये वाला व्हील लैंड करा, ये वाला लैंड करा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज इस क्वेश्चन की उतनी प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर, बोला गया कि एक पर्सन है जो कि खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द क्लिफ, ठीक है, पहाड़ पे खड़ा हुआ है, और वहां पे खड़ा होकर के वो क्या करता है,
उसको ना 171 फिट हाई क्लिफ है उसकी, और उसको ना अपने दोस्त को एक पैकेट फेंकना है, ठीक है, ग्राउंड पे। हाँ क्या बोला कि इसमें पर्सन है ना, ये क्लिफ की हाइट 171 फीट है, हाइट टू थ्रू पॉकेट इज फ्रेंड अंडरस्टैंड 1 फीट। ये दोस्त कहाँ पे खड़ा हुआ, 228 फीट दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, और बोला गया है कि इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, वो पैकेट कैसे फेंक रहा है, पैकेट अपने दोस्त की तरफ फेंक रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है, ठीक है, वो दोस्त को देख रहा, पैकेट अपना जो हाथ का जो उसका एंगल है ना फेंकने का एंगल, वो दोस्त की तरफ है। इसको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, यही लैंग्वेज है जो क्वेश्चन को अच्छा बना रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 15 फीट पर सेकेंड है पैकेट की, जिस स्पीड से उसने फेंका। हाउ शॉर्ट द पैकेट विल फॉल, मतलब एक बात समझ लो कि पैकेट जो है ना यहां तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया हाउ शॉर्ट, मतलब अपने टारगेट से पैकेट कितना दूर पहले गिर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सवाल का अप्रोच देखें, अगर हम यहाँ पे रेंज निकाल लें कि यहाँ पे ये पैकेट कितना दूर जा करके अगर गिरेगा, ये रेंज अगर हम निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन क्लियरली हमको ये बोल रहा है कि हमारा आंसर 228 से कम ही आएगा, लैंग्वेज ही हमको बता रही है बात, तो हम ये पॉइंट अगर निकाल लेते हैं, तो इसमें से अगर मैंने ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रही सबको। अच्छा, अब जरा हम लोग उसके अप्रोच कैसे हाँ बढ़ेंगे, देखो आप अब यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे ये मान लो कि ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन भी कितना हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या मैं थीटा को निकाल सकता हूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं ठीक सर पहले, हाँ देखो टैन थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन बताओ यहाँ पर टैन थीटा, देखो एक्चुअली टैन थीटा से बेटर क्या होगा, टैन थीटा भी निकालो, साइन भी निकालो, कॉस भी निकालो, तीनों काम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे काम आएंगे तुमको ये समझ में अभी आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को देखू ना, तो साइन थीटा मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा अगर इसको निकालोगे ना तो 285 फीट आएगा, इसको निकालोगे पाइथागोरस, साइन थीटा कितना हो जाएगा, वन सेवेंटी वन बाई 285, ये निकालो पाइथागोरस, और कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 228 बाई 285, हाँ थीटा 37 डिग्री आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ सर 37। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये अगर मान लो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना थीटा होगा। अब ये वाला देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एडवांस वाला क्वेश्चन हो गया थोड़ा, ठीक है। इसको कितना हम पहले यहाँ पे निकालते हैं, टाइम कितना समय लगेगा नीचे वर्टिकल गिरने में, टाइम मैंने बता के रखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टाइम से बढ़ के कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पढ़ाई में भी टाइम की जरूरत अहमियत समझो, और हर जगह टाइम की अहमियत समझो, फ्रेम में भी टाइम होता है जो सेम रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी टाइम जो होता है वो सेम रहता है, चाहे हॉरिजॉन्टल के लिए और प्रोजेक्टाइल इसके लिए वर्टिकल के लिए। तो अगर मान लो मैंने इसको नीचे गिरते हुए देखा, तो इस नीचे गिरने के लिए 171 इन वाई डायरेक्शन, सबसे पहले टाइम निकालो, और टाइम निकालने के लिए मैंने तुमको बता के रखा कि 95% क्वेश्चन में वर्टिकल मोशन देखो, तो 171, हाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा साइन, देखो कैसे करेंगे, 171 इक्वल टू यू इधर है ना, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, यू यू साइन थीटा, यू कितना है हमारा, यू है हमारा, यू कितना 15 है, साइन थीटा 171 बाय 285,
प्लस हाफ इंटू ए कितना है हमारा 32, और टी का स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ये करके देखो। तो यहां से ये आएगा जो टर्म यू के साथ आएगा भी टी आएगा ना, क्या बोले। हाँ यू के साथ। हाँ बराबर है ठीक है। इससे जब तुम इक्वेशन चेक करोगे ना ठीक है, यहां से जरा ये 16 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 15, बन जाए 15 बचा कितना 135। ये तो 37 डिग्री आ रहा था, तो ये निकालोगे तो कितना आएगा जरा देखो। तो ये मुझे लगता है 15 बन जाए 15, 15 9 जा 135, 3/5 हाँ 9 से बटेगा ठीक है। 9 से कटाइए और हमारा आएगा ये 16t² प्लस 90 ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम क्वाड्रेटिक का तरीका यूज करेंगे ना ठीक है, तो ये तो देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से डिफिकल्ट हो जाएगा ये ठीक है। तो माइनस बी करके प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी टू ए। तो लंबा कैलकुलेशन है खाली, इसका करके देखना, टाइम आएगा 3 सेकेंड ठीक है। करके देखना इसको, उसके 3 सेकेंड या 3 सेकेंड एग्जैक्टली उसके आसपास ही आएगा ये ठीक है। ये करके देखना एक बार, टाइम अगर हमारा 3 सेकेंड अगर आ रहा है तो हम यहां से अब रेंज को निकाल सकते हैं ना। रेंज हमारा कितना हो जाएगा 15 इंटू cos 228/285 इंटू टाइम कितना है 3 है ठीक है। तो इसको अगर हम पूरा ये तो, अच्छा देखो ये तो हमारा 37 डिग्री अगर आ रहा था ये दूसरी फॉर्मूला से देखो अगर ऐसे सवाल अगर आते हैं ना, तो जहां तक कि मुझे लगता है ना इसमें यही मेथड से जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे तुम अगर वाई वाई कॉस टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स कर यू स्क्वायर से भी करोगे ना ठीक है, तो उससे भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन वो फॉर्मूले से कैसे आंसर निकालेंगे हम लोग, क्योंकि वो वाला जो फॉर्मूला वो तो हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए होता है ना, वो वाला फॉर्मूला हमारा इसके लिए था। तो इसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमको बिल्कुल बेसिक में ही जाना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है एक्चुअली ठीक है। अगर आप किताबों में तुम देखोगे कि इसका वो लोग अलग से फॉर्मूला बना करके लिख देते हैं, लेकिन अगर तुम हर एक फॉर्मूला लर्न करने जाओगे तो तुमको इतना याद भी नहीं रह पाएगा ठीक है। तो ये इसको जरा निकालो ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको निकालो तो कितना आता है ये शायद से 36 आएगा क्या, 15 9 जा 15 15 9 जा ठीक है। तो ये कटेगा क्या इससे, 19 में 19 19 2 जा 38 हाँ ये 36 आएगा, मतलब ये गिरेगा कहाँ पे, 36 50 30 गिर जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा यहां से जो डिस्टेंस है ना ये 228 माइनस 36 कर दो, यू विल गेट द आंसर। आई सबको बात समझ में, मेन कंसेप्ट का समझ में आ गया सबको कि एंगल पे फेंका जा रहा है ठीक है। अभी ये वाला सवाल हो गया, इसको सबको नोट कर लो। एक सब मैं और करवा देता हूं, 38 नंबर नहीं 39 नंबर डाउट, 38 आसान है, 38 में क्या करना है, 38 ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। नहीं इसके बाद छोड़ दो अभी ठीक है। मैं ना कल जो है ना इसके बाद ना मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम्स के ना सॉल्यूशंस रेडी कर देता हूँ, ताकि ना तुम लोग को मैं उसकी व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूँ। अभी एक्चुअली क्या जो आसान सा, तुम लोग एक बार सॉल्यूशन देखना, उसके बाद भी जो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली मैं सोल्यूशन ऐसा लिखूंगा ना, हर एक पॉइंट लिख दूंगा वहां पे, उसके बाद तो अगर तुम्हें जो जो समझ में नहीं आएगा मैं जूम पे क्लियर कर दूंगा, ताकि क्या अपने डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। मैं थोड़ा बैठ करके ना डाउट्स के भी रेडी कर देता हूँ मैं थोड़ी शीट्स, और एक बार लॉज ऑफ मोशन की जो भी डाउट्स है ना वो मेरे को एक बार जरा फिर से भेज देना ठीक है। सर्कुलर मोशन तो स्टार्ट कर देना, लॉज ऑफ, अगर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट नहीं किया ना तो वो स्टार्ट कर देना आज ठीक है। हम लोग डाउट भी क्लियर करेंगे और हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से भी तुम्हें करवा दूंगा ठीक है। अच्छा भाई देखो एक क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 वाला सवाल आसान है, बॉडी को फेंका किया है और एक दीवार है यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे, तो बताओ कि वो हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये खुद से कर लेना, खाली रेंज निकाल लो, ठीक है। रेंज हमारा इसमें आएगा 22 मीटर आएगा, इस सवाल में मैंने निकाल के रखा हुआ है। रेंज अगर 22 मीटर आ रहा है, दीवार कहाँ पे 5 मीटर पे आ रही है, तो ये इसको हिट करेगी। दीवार की कोई लेंथ की बात नहीं की गई है, तो दीवार को हम बहुत बड़ी मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे खाली बोला कि दीवार की डिस्टेंस 5 मीटर है, दीवार की हाइट के बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हाँ दीवार कितनी भी लंबी क्यों ना हो, और अगर हमारा दीवार अगर रेंज से बड़ा डिस्टेंस पे, ठीक है, रेंज से ज्यादा डिस्टेंस पे, तो कभी उसको स्ट्राइक नहीं कर सकती है जो बॉल है, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही कर लेना। हाँ 39 नंबर क्वेश्चन में करवा देता हूँ, मुझे शायद से पता नहीं टाइम इतना। एक बॉडी है, ये सब हम लोग कल कर लेते हैं, ठीक है, अभी इतना हो नहीं पाएगा, बड़ी में हो नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं इसके ना कुछ सॉल्यूशन रेडी करता हूँ, ठीक है, और लॉज ऑफ पोर्शन के मेरे को एक बार डाउट भेज देना, ठीक है। और कल भी हम लोग जो है ना, कल या तो डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं आगे के, ठीक है, नहीं तो थोड़ा इंटरेस्ट का ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आगे तो मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय।